हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। तो ये एक कटोरी मूंग दाल मैंने पीस रखी है। इसे मैंने गरम पैन में भूनना है हाई फ्लेम पर। करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इसे लगातार चलाते हुए हम भूनने लगते हैं पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, करीब 15 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे लगातार चलाते हुए भूनता जा रहा हूँ। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है और दाल जो है थोड़ी और मुझे चला के जो है ये पक जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो मूंग दाल हलवा सर्दी में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन थोड़ा मेहनत का काम है इसे बनाना, थोड़ा पेशेंस भी रखनी पड़ती है। तो अभी मैं इसे पका रहा हूँ, अभी 5 से 10 मिनट और लगेंगे या जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। तो इसे लगातार चलाते हुए मैं पका रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, दाल अभी भी भून रही है। तो काफ़ी लोग मैंने देखा है कि दाल को पहले घी में भूनते हैं। तो अगर आप जो मूंग दाल का आटा है उसे डायरेक्ट ही रोस्ट करें तो इसे घी भी काफ़ी कम लगता है। इसमें बाद में हम घी डालेंगे। तो सिर्फ घी, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और मूंग दाल, इसी से मूंग का दाल जो हलवा है वो रेडी हो जाता है। अभी थोड़ी देर इसे और पकाऊंगा। तो ये देखिए फ्रेंड, दाल अच्छे से भून चुकी है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज होने लगा है। अब इसमें हम घी डालेंगे। तो घी मैंने 5 बड़े चम्मच देसी घी के डाले हैं इसमें। तो ये देखिए, घी मैंने इसमें डाल दिया है। अब घी के साथ हम दाल को अच्छे से मिक्स करके फिर से इसे भूनेंगे 5 से 10 मिनट तक। तो देखिए फ्रेंड, दाल भी भून चुकी है और घी इसे अलग होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। खूब सारे ड्राई फ्रूट इसमें डालें और इसके साथ ही हम इसमें चीनी भी डालेंगे। तो चीनी का जो प्रोपोर्शन है, जितनी आपने दाल ली होती है उतनी ही हम इसमें चीनी मिलाएंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर से 5 से 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। इसमें चीनी भी अच्छे से पक चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। तो अब इसमें हम डालेंगे फुल फैट। 1 कप मैंने इसमें दूध डाला है। इसे आराम से डालें धीरे धीरे और अच्छे से मिक्स कर लें और लगातार चलाते रहें। तो जो मैंने सारा दूध इसमें डाला था वो एकदम से हलवे ने अब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसमें मैंने 1 कप और दूध डाला है, तो ये भी सारा एकदम से ये अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि जो हलवा है वो घी छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। 5 से 7 मिनट तक मैं इसे और भूनूंगा, बिल्कुल दानेदार ही बन जाएगा और इसका नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आया है। मार्केट में जो आपको जो येलो कलर का हलवा मिलता है उसमें फूड कलर डाला होता है। फूड कलर आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, बट मैंने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। तो देखिए फाइनली हलवा रेडी है। आइए इसकी प्लेटिंग एंड गार्निशिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हलवा रेडी है, जो ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।